आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों इस समय हम यहाँ पे चाय पीने आए हुए थे, और चाय पीने इसलिए आए हुए थे कि आज किसान आंदोलन है यहाँ पे छिंदवाड़ा, जो कि मध्य प्रदेश में है, उसका एक कस्बा है तेज सोसर। तो यहाँ पर कांग्रेस ने किसान आंदोलन आयोजित किया है। जैसे कि आप जानते, पूरे देश भर में अब ये आंदोलन फैल रहा है, भड़क रहा है कहीं ना कहीं आंदोलन, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कहने में। तो हमने सोचे कि उस आंदोलन को कवर किया जाए, वहाँ किसान क्या बोलते हैं। हालांकि एक बात बता दो ईमानदारी से, इस आंदोलन को यहाँ पर जो सभा जो कर रही है वो कांग्रेस कर रही है। तो आप बोलेंगे कि कांग्रेस का आंदोलन है तो सुरेश जी आप क्यों जा रहे हो, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यदि अच्छे मुद्दों को लेकर राजनीति हो उसका स्वागत होना चाहिए, वो कोई भी राजनीतिक दल करें। यदि कांग्रेस किसानों की आवाज़ उठा रही है और किसान वहाँ पर शामिल हो रहे हैं उस आंदोलन में, तो इस खबर को दिखाना बहुत ही ज़रूरी है। हमने उसे ज़रूरी समझा, इसलिए हम वहाँ पर जा रहे हैं। बहरहाल हम चाय का मज़ा ले रहे हैं। मेरे साथ में शशांक। हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? शशांक क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि पार्टी कोई भी हो, यदि वो मतलब सही कदम उठा रहा है तो उसे ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। फिर पार्टी बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी हो, BSP हो, कोई मैटर इस बार ये मैटर नहीं करता कि कौन सी पार्टी है। यदि काम अच्छा हो रहा है तो प्लीज़ सपोर्ट करें। और ये बस अब किसानों की बात है इसलिए हम वहाँ पे जा रहे हैं। बहरहाल अभी मैं आप सबसे विदा लेता हूँ, उसके बाद मैं वहाँ जाऊँगा, सभा का मुआयना करूँगा, वहाँ जो वक्ता जो भाषण देते हैं किसानों से बात करने की कोशिश करूँगा, वहाँ जो उस रैली सभा में जो लोग आए उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, आगे हम चलते हैं किसान आंदोलन की ओर। सम्मान्य मंच, मेरे किसान साथी, मेरे युवा साथी, मेरी मातृशक्ति, जो समस्त क्षेत्र से आए किसान साथी में इनका युवा कांग्रेस परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जो विषय है, आज हमें इस एक जगह क्यों एकत्रित होना पड़ा, आज किसानों को ऐसा क्या अंत पड़ा कि हमें इस जगह एकत्रित होकर अपनी एकता का परिचय देकर इस केंद्र के काले कानून का विरोध करना पड़ रहा है। ये जो 3 अध्यादेश इस केंद्र सरकार ने लाए, जो किसानों के लिए काले कानून कहला जा रहा है, पूरे देश में इस काले कानून का विरोध हो रहा है। किसानों के हक को छीनने वाले इस कानून को किसी भी हालत में नहीं लागू होने देने जा रहे हैं। यह किसान जो किसानों के लिए काले कानून लगे लागू कर हुए हैं, मैं संक्षिप्त में उसका विवरण करना चाहता हूं। पहला अध्यादेश है कि जो किसान किसान की फसल है, उस किसान की फसल को वह चाहे परेशानी होगी, उसी कारण उस परेशानी को देखते हुए आम लोगों के लिए, जो दिल्ली में हमारे किसान भाई दिन रात, आज 57 दिन हो रहे, जो निरंतर हम आम लोगों के लिए आमरण वहाँ अनशन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सभी के हितों के लिए कर रहे हैं, हम सभी उन्हीं के एकत्रित होना है। क्यों? कि हमारे कुछ किसान भाई वहाँ एक लड़ाई लड़ रहे हैं, 57 दिन हुए हैं, और आज तक इस गुंगी भरी सरकार को उस किसानों की कोई चिंता नहीं है। ये 3 काले कानून कौन से हैं? साथियों किसानों, हमें ये बात समझने की जरूरत है, कॉन्ट्रैक्ट जो खेती है इसके पहले भी कई किसानों ने की है। जब भी फसल का कोई प्रॉब्लम आता है तो कॉन्ट्रैक्ट खेती में वो जिस कंपनी के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो फसल कई बार नहीं लेते हैं, और हमारा मूल्य भी हमें प्राप्त नहीं होता है। यदि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अगर खेती चली जाएंगी तो हमारे पास में हमारा कौन सा अधिकार रहेगा? पूरा व्यापार ठप्प सा हो गया था, पूंजीपतियों की नींद उड़ गई थी, उद्योगपति पति खाली हो गए थे। इस बीच कुछ चाणक्य बड़े उद्योगपति है, जिसमें अडानी है, अंबानी है, बाबा रामदेव है, इनके दिमाग में एक बात आई कि उद्योग धंधे चौपट हो गए हैं पर कृषि
कृषि क्षेत्र अभी बचा है जिसके ऊपर जीएसटी लागू नहीं है, और उस कृषि क्षेत्र में घुसने का प्रयास किया और इन लोगों को बरगलाकर ये एक मंत्र दिया, किसान बिल लागू करे और किसान बिल के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में प्रवेश करे और किसानों वाले ग्रुप को इस तरह लूटे। केंद्र सरकार ने जो 3 अध्यादेश लागू किए हैं, ये हमारे किसानों के विरोध में किए गए हैं। ये अध्यादेश पूंजीपतियों के फायदे के लिए ये अध्यादेश बनाए गए हैं। आज देखा जाए तो हम अपनी भाषा में इनको काले कानूनी समझेंगे, क्योंकि इन लोगों को, पूंजीपतियों को, जैसे अंबानी अडानी जैसे लोगों को पता था कि ये अध्यादेश आने वाले हैं, तो इन लोगों ने पहले ही एग्रीकल्चर के गोडाउन बड़े बड़े बनाए थे, लेकिन ये किसानों के विरोध में ये कानून हमारे केंद्र सरकार ने लागू किए हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की सरकार, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चोरी हुई सरकार अभी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की पदासीन हुई है। आप सभी को विदित है कि कनान नदी में बाढ़ आई थी, बाढ़ में जितने भाइयों के बटवारे थे, कहीं किसी का ना बटवारा रहा, किसी का ना खेत रहा, किसी के ना फसल रही। विधायक के नेतृत्व में, भागवत राव जी के नेतृत्व में, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के साथ में हमने हजारों की संख्या में यहाँ पर संघर्ष किया। आप सबको विदित है, एक साल पहले हमारे ओले गिरे थे आमला सर्कल में, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, करोड़ों रुपए यहाँ पर तत्काल जैसे विधायक ने फोन किया, 4-5 दिन में मुआवजा आ चुका, आप सबके बीच में बढ़ चुका है। ये कहते हैं कि किसानों को बरगला जा रहा है, तो किसानों को समझ में नहीं आता समझते क्या है, तो किसानों को भय समझते कि बरगला चूचिया बनाए किसान। अरे जो खेत से कहना निकाल सबको पालता पोसता है उसको बरगलाएंगे, हजारों संख्या में लोग मर रहे उसके उसको चिंता नहीं। ये कॉन्ट्रैक्ट खेती क्या, चलो दूर मत जाओ, अपने समझ में देख लो। समर्थन मूल्य मक्के का 1800 रुपए, अभी कानून लागू होने का है और हमारा खरीदा जाना 1000 रुपए क्विंटल है, तो ये अंतर क्यों, ये अंतर कौन पैदा कर रहा है? सरकार इनकी, मंत्री इनके, सब इनके, और चूतिया बनाने के हमारे बीच में चोर भेज देते समझाने के लिए, किसान के सम्मान में ऐसा है वैसा है, 10 लोग को कोई पावर नहीं रहेगा। जब मंडी कर्मचारी को इतना पावर है कि अगर अपनी कपास की गाड़ी अगर कोई चीज व्यापारी खाली नहीं करता तो मंडी का आदमी वहां जाके वो जबरदस्ती मतलब उसको खाली करवा सकता है, या किसान का माल बेचने का काम मंडी का रहता है, उनके पावर पूरे खत्म कर दिए हैं। वो अभी मंडी में जाके किसी को बोल नहीं सकते कि तू इतना क्यों काट ले रहा है। अभी आपने देखा होगा यहाँ पे एक गाड़ी के पीछे एक क्विंटल के पीछे 2 किलो काट लेना चालू है सीसीआई का, कोई यानी बोलने को तैयार नहीं। वहां मंडी वाले बोलते हमारे तो पूरे पावर खत्म कर दिए, ये किसानों का घाटा है। मोदी जी बड़े लंबी लंबी बात कर रहे हैं क्या हम ऐसा लखपति बन जाएंगे, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं है। वो उद्योगपतियों को फायदा दिलाने के नाम पे ये कृषि कानून उन्होंने लाया है, और किसानों का जो माल बेचने का है वो अभी अपने को इतनी लंबी जोड़ी बात कर रहे थे, एक दो बार उन्होंने भाषण में बोला है क्या, किसान का हर माल अगर कृषि उपज जो इनका समर्थन मूल्य के नीचे जाता है तो हम माल खरीदी करेंगे, सिर्फ कपास ये काटन के सिवा और क्या खरीदी कर रहे हैं। यहाँ से सावनेर जाओ तो 1850 रुपया क्विंटल सरकार खरीदी कर रहे हैं मक्के की, या हजारों क्विंटल का मक्का लोगों के पास पड़ा है तो वो बेच रहे हैं 1000 रुपए क्विंटल। एक आदमी, एक किसान से 850 रुपया क्विंटल का घाटा अगर मोदी जी कर रहे हैं, और तुमको 6000 का लॉलीपॉप देके साल भरे में ये कई किसान का कई हजारों क्विंटल मक्का का नुकसान होते जा रहा है, और अपने को सिर्फ चूतिया बनाने के धंधे और कोई काम नहीं है। पर उनका सबका समर्थन मूल्य अभी तुअर भी देखो, तुम अभी तुअर निकलना चालू हो जाएगा तो समर्थन मूल्य के नीचे आ जाएंगे भाव। जो किसानों का आंदोलन कर रहा है, आज 50वां दिन है, आज दिल्ली के बॉर्डर पर हमारे 60 किसान शहीद हो चुके हैं, कई किसानों ने आत्महत्या की है। आज समय है उन मृत हुए किसानों को श्रद्धांजलि देने का।
उन्हें श्रद्धांजलि कभी मिलेंगी। जब हमारे संसद क्षेत्र के किसान उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। आज हम यहाँ जिस उद्देश्य से बैठे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों का, हम किसानों का बहुत दुर्भाग्य है कि आज एक ऐसी गूंगी बहरी सरकार के साथ में हमें अपना जीवन जीना पड़ रहा है, जिन्होंने किसानों के लिए कभी सोचा ही नहीं। ऐसा किसान नेता शिवराज सिंह चौहान, जो हमेशा से किसानों को अपना अपना बेटा बोलता था कि भाई मैं किसानों का बेटा हूं, लेकिन आज वो किसानों का दुश्मन बन गया है। आज किसानों को उन्होंने आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया है। क्या आप ऐसी सरकार चाहते हैं? एक ऐसे प्रधानमंत्री जो अपने आप को गरीब का बेटा कहते हैं और 15 लाख का सूट पहनते हैं और किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर करते हैं, क्या आप ऐसी सरकार चाहते हो? आज किसानों को उन्होंने आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया है, क्या आप ऐसी सरकार चाहते हैं? एक ऐसे प्रधानमंत्री जो अपने आप को गरीब का बेटा कहते हैं और 15 लाख का सूट पहनते हैं और किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर करते हैं, क्या आप ऐसी सरकार चाहते हो? तो दोस्तों, मेरे किसान भाइयों, मेरी मातृशक्तियों, ये कांग्रेस परिवार हमेशा से आपके साथ है। ये किसान की लड़ाई लड़ने के लिए ये कांग्रेस परिवार कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन इस मंच के माध्यम से परम आदरणीय कमलनाथ जी, हमारे सांसद महोदय आदरणीय नकुलनाथ जी और विजय चोरे जी, आपके पूरी कांग्रेस कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ है। लेकिन आने वाले समय में आपको भी पूरी ईमानदारी का परिचय देना होगा अगर आप ऐसी गूंगी बहरी सरकार नहीं चाहते हैं, क्योंकि 15 साल से मध्य प्रदेश में आप किसान लोग परेशान है, 7 सालों से पूरे देश के किसान परेशान है, फिर से किसान आशाओं भरी निगाहों से परम आदरणीय कमलनाथ जी की ओर देख रहे हैं। तो आपको भी ये वादा करना पड़ेगा कि 15 महीने की कमलनाथ की सरकार ने किसानों को क्या क्या सुख दिए थे, आप लोगों के कर्जे माफ किए थे, वो पहली सरकार हमारी थी। परम आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में ये किसान आंदोलन हो रहा है और पूरी कांग्रेस कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ में है। पूरे समस्त मेरे किसान भाइयों से निवेदन करूंगी कि अपनी आंखें खोलकर आने वाले समय में सत्य का साथ दीजिएगा, अन्यथा ये परिणाम जो हो रहे हैं वो होते रहेंगे। आज हम आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इस सरकार को हम छोड़ेंगे नहीं, ये गूंगी बहरी सरकार को उखाड़ फेंको। आज किसान आंदोलन कर रहा है, कल मशाल रैली निकालकर इस किसान आंदोलन का समापन हम करेंगे, लेकिन तब जब हमारी मांगे पूरी होगी। तो दोस्तों, मेरे किसान भाइयों, अपनी आंखें खोलो और ये कांग्रेस परिवार कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा आपके साथ है और साथ रहेगा, लेकिन आप भी पूरी ईमानदारी का परिचय आने वाले समय में दीजिएगा तो निश्चित रूप से सफलता हमारे कदमों को चूमेगी, आने वाला समय उज्जवल भविष्य को लेकर आएगा।